गुड इवनिंग, माय नेम इज़ ऋतु रतेवाल एंड यू आर विद अनअकैडमी स्टूडियोज़ प्लेसिबो। आज हम प्लैटी हेलमिंथीज़ करने वाले हैं, एनसीईआरटी रिव्यू करेंगे प्लैटी हेलमिंथीज़ का। मैं तुम्हें समझाऊंगी प्लैटी हेलमिंथीज़ में किस प्रकार के एनिमल्स मिलते हैं, किस प्रकार से उनका जीवन होता है, क्या वो अपने जीवन में काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की ऐप आप डाउनलोड करेंगे और जैसे ही ये लिंक डालेंगे आप हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे। अनअकैडमी प्लस के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। अभी जो एग्ज़ाम का सीज़न आ रहा है और तुम्हारी टेंशनें बढ़ रही हैं कि तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता, कैसे तुम लोग तैयारी करोगे, बहुत सारी परेशानियां तुम लोगों को अब लगने लगी होंगी धीरे धीरे जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता जा रहा है। अनअकैडमी प्लस तुम्हारी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है, ठीक है। जो तुम्हारे खुद की प्रॉब्लम्स हैं, तुम नहीं पढ़ रहे हो, मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, उसके लिए मैं बहुत सारी मोटिवेशनल बातें यहाँ पर बताती रहती हूँ इस चैनल पर। उसके अलावा जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हें कोई अच्छा टीचर, कोई अच्छी गाइडेंस नहीं अभी तक प्रोवाइड हुई है पढ़ने के लिए, अनअकैडमी प्लस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसपे इंडिया के 40 बेहतरीन टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, आपको नहीं पता आपको कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको ठीक से कर भी पाओगे या नहीं। आपको कई बार टॉपिक आता है लेकिन आपको उसके क्वेश्चंस नहीं करने आते हैं, है ना। तो क्यों, कभी प्रैक्टिस ही नहीं की हमने, क्वेश्चंस आएंगे कहां से हमको क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज रहती है हर संडे, प्लस वन के बैच की अलग, प्लस टू एंड ड्रॉपर्स एवरीबडी हैज अ डिफरेंट टेस्ट सीरीज विच यू अटेंड, यू हैव टू अटेंड, ओके। द टेस्ट्स आर फॉर 720 मार्क्स, बिल्कुल नीट पैटर्न का टेस्ट रहेगा सो दैट यू कैन असेस योर ओन प्रिपरेशन एंड यू नो योर फ्लॉज कि आपको क्या चीज़ नहीं आती है। अब भी अगर मुझे देखना होता है कि मैं कोई टॉपिक कितने अच्छे से पढ़ा रही हूँ, कोई मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट मिस तो नहीं हो रहा, तो मैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस करती हूँ। सो आई नो कि मेरी अच्छा एक एनसीईआरटी की कोई लाइन मिस हो रही है जो बच्चों को बतानी चाहिए सही से और मैं नहीं बता रही हूँ। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तैयारी का। अनअकैडमी प्लस तुम्हें टीचर्स, इंडिया के बेस्ट 40 टीचर्स हैं वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उनमें से मैं भी पढ़ाऊँगी वहाँ पे, एंड मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी प्लस वन और प्लस टू का, बायोलॉजी का, जूलॉजी और बॉटनी का। ना सिर्फ मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगी, मैं तुम्हें लर्न करा दूँगी, एक एक बात तुम्हें लर्न करा दूँगी जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तुम्हें नीट की बायो इतनी आसान लगेगी मुझसे पढ़ने के बाद, तुम्हें लगेगा मैम बायो में क्या था आज तक, मुझे पता नहीं चला कि दिक्कत क्या थी कि मुझे इतनी मुश्किल लग रही थी या मुझे लर्न नहीं हो पा रहा था या कन्फ्यूज़ हो रहा था मैं, ठीक है। मैं क्रैश कोर्स शुरू कर रही हूँ अनअकैडमी प्लस पे बायोलॉजी का 30 नवंबर से, 30 नवंबर से लेके अगले 4 महीने में हम पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे प्लस वन और प्लस टू की, और डिटेल में करेंगे और साथ में उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। साथ में मैं बहुत सारी तुम्हारी डाउट क्लासेस लूँगी जिससे बायोलॉजी की तुम्हारी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगी। ये सभी कुछ मेरा पूरा क्रैश कोर्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर्स की क्लासेस जो बाकी टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज, सबको सब कुछ तुमको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेने पे अवेलेबल हो जाता है। इट्स ऑल ओपन टू यू। अब वो छोटा सा सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का मिलता है, बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमल अमाउंट रखा है अनअकैडमी प्लस ने। 6 महीने रह गए हैं तुम्हारे एग्जाम में, 6 महीने भी रहते नहीं है। सो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन वी गिव यू जस्ट फॉर 21,600 रुपीज़। Everything, my crash course, test series, everything in it. So what do you have to do? You have to download this Unacademy learning app and you have to install it. इंस्टॉल करके बेटा जी खोलोगे, फ्रंट पेज पे आओ, प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस पे आके नीट एंड एम सेक्शन पे आओगे, देन गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे। सब्सक्रिप्शन लेना है ना तुमको। सो अभी यदि तुम अभी नीट 2020 के एस्पिरेंट है तो तुम ये वाला लोगे बेटा, 6 महीने वाला। अगर तुम नीट 2021 का एस्पिरेंट हो तो 1 ईयर या 2 ईयर वाला आप ऑप्ट कर सकते हैं। 6 मंथ्स वाले की फीस है 24,000 रुपीज़, 1 ईयर की फीस है 30,000 रुपीज़ और 2 ईयर्स की फीस है 48,000 रुपीज़। अभी मैंने कहा था 21,600, यहाँ पे 24,000 लिखा है। एक्चुअली इसको कम करने का एक तरीका है, एक छोटा सा कोड डालना पड़ता है आपको, तब आपकी फ़ीस और 10% कम हो जाती है। कैसे, आप किसी भी ऑप्शन पे एक पे क्लिक कर लीजिए। मान लीजिए आपने 1 ईयर वाले पे क्लिक किया, क्लिक करके इस तरीके से एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे 30,000 का फीस दिखाएगा, बट यू डोंट गो टू प्रोसीडेंट पे, नो, यू गो अप टू ऋतु लाइव, ये कोड डालेंगे आप,
रितु मेरा नाम है और लाइव मैं वहाँ पे क्लासेस लेती हूँ, रितु लाइव कोड डालेंगे तो जैसे ही आप ये कोड डालेंगे ना आपको 10% ऑफ मिलेगा, यू गेट अ 10% ऑफ ऑन योर फीस, ठीक है, प्लस यू गेट माई नोट्स, क्योंकि आप मेरे नाम का कोड डाल रहे हैं तो आपको मेरे नोट्स प्रोवाइड होंगे, प्लस आपको मेरे क्रैश कोर्स में आने का मौका मिलेगा। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को ही मैं अपने क्रैश कोर्स में लूंगी, क्योंकि उससे ज़्यादा को मैं उतनी अच्छी तरीके से नहीं प्रिपेयर कर पाऊंगी जितने अच्छे से मैं प्रिपेयर करवाना चाहती हूँ। जैसे ही तुम कोड डालोगे 30,000 का भी 27,000 हो जाएगा, 6 मंथ्स वाला 24,000 का 21,600 हो जाएगा, ठीक है। सो एक सब्सक्रिप्शन तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। ज़्यादा ये मत सोचो बेटा पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं कैसी क्लासेस होती हैं। आज मैं तुम्हारे लिए एक फ्री प्लस क्लास लेकर आई हूँ जिसमें तुम देख सकते हो कि प्लस क्लासेस कैसी होती हैं, ठीक है, हाउ थिंग्स आर डन देयर। आज 7:45 पे 7:45 मेरी एक स्पेशल क्लास है विच इज़ अ फ्री प्लस क्लास ऑन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। सो एक घंटे की क्लास होगी, वो चैप्टर मैं पूरा का पूरा पढ़ा दूंगी उसे एक घंटे में, ठीक है। सो तुमको पता चलेगा कि प्लस का प्लेटफॉर्म कैसे ऑपरेट होता है, एंड इफ यू लाइक इट यू शुड टेक द सब्सक्रिप्शन बिफोर 30th of November, बिकॉज उसके बाद मैं क्रैश कोर्स में आने नहीं दूंगी अगर मेरे पास 50 बच्चे पूरे हो गए तो पहले ही, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। चलो बेटा जी, कल हम क्या पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग लैटिहेल्मिन्थीस, फ्लैट वॉर्म्स क्यों कहते हैं इनको, अगर इनको काटते हैं बीच में से तो ये ऐसे चिपके हुए नजर आते हैं, टेप की तरह, इंची टेप की तरह, पत्ते की तरह फ्लैट ये नजर आते हैं, इस तरीके से रोटी की तरह फ्लैट नजर आते हैं। जैसे कि तुम्हें यहाँ पे फ्लैट वॉर्म दिख रहा है, कितना फ्लैट है ये, ठीक है। कितनी फाइलम्स तुम मेरे साथ अभी तक पढ़ चुके हो, छोटी सी फाइलम है प्लैटिहेल्मिन्थीस। सिर्फ अपन ने 3 एनिमल्स की स्टडी करनी है इसमें, प्लेनेरिया की स्टडी करनी है, टेपवॉर्म की स्टडी करनी है और लिवर फ्लूक की स्टडी करनी है। 3 एनिमल्स की स्टडी करके ये फाइलम खत्म है। अभी तक तुमने क्या पढ़ा है मेरे साथ, देखो पॉरीफेरा पानी के अंदर है ना, मूव भी नहीं कर सकते हैं, नाइडेरिया नाग वाले सांप की तरह डंक मारते हुए घूमते हैं, है ना, जेली फिश हो गई उसमें, एंड देन उसमें हाइड्रा हो गया, उसके बाद टीनोफोरा क्या जगमगाते हैं, दे आर ब्यूटिफुल शाइनिंग एनिमल्स, जो हमने पढ़ चुके हैं, कल हमने बात की थी इसके बारे में। प्लैटिहेल्मिन्थीस की एक अच्छी बात यह है कि पानी से बाहर आ गए, ठीक है। एक्चुअली कुछ प्लैटिहेल्मिन्थीस पानी में ही रह गए, सम ऑफ देम आर स्टिल एक्वाटिक, लेकिन बहुत सारे पानी से बाहर आ गए, लेकिन पानी से बाहर आके इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया है, दे हैव बिकम पैरासाइट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ये दूसरों की बॉडी में घुस के पैरासाइट बन गए। देखो प्लैटिहेल्मिन्थीस की 3 क्लासेस होती हैं, ये NCERT रिव्यू है, NCERT हम पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। 3 क्लासेस होती हैं प्लैटिहेल्मिन्थीस के अंदर, प्लैटिहेल्मिन्थीस फाइलम है, उसके नीचे क्लास होएगी। अब देखो वैसे क्लासेस जो हैं वो नीट में नहीं आएंगी, NCERT का पार्ट नहीं है, पर तुमको हल्का सा आइडिया होना चाहिए, अपनी जिंदगी आसान हो जाएगी अगर आप जान लेंगे तो, ठीक है। पहली क्लास है टर्बिलेरिया ऑफ विच प्लेनेरिया इज अ मेंबर, प्लेनेरिया भी कहते हैं, डुजेसिया भी कहते हैं। Then there is another class called Trematoda. Trematoda कहाँ गया? Trematoda. इसके अंदर आपकी flukes आती हैं. For example, liver fluke. Then एक और class है Cestoda, जिसके अंदर तुम्हारा टेप फॉर्म आता है। ओके, सो 3 क्लासेस आर बेसिकली देयर, टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सेस्टोडा। मैंने क्यों ये क्लासेस तुम लोगों को बताई हैं? क्योंकि ये जो है ना, ये प्रिमिटिव वाली जो है ना, ये सबसे प्रिमिटिव है इनकी, टर्बिलेरिया प्लेनेरिया वाली, ये अभी भी पानी में ही रहते हैं, ठीक है, पॉरीफेरा पानी में, नाइडेरिया पानी में, टीनोफोरा पानी में, और ये टर्बिलेरिया भी पानी में।
तो प्लेनेरिया जो है इट्स एन एक्वाटिक एनिमल, बेसिकली फ्रेश वाटर में रहता है, ये छोटू सा एनिमल होता है 1 सेंटीमीटर का, ऐसे नहीं बड़े बड़े नहीं होते हैं प्लेनेरिये, इट दे वेरी लिटिल 1 सेंटीमीटर, एंड दीज टू हैव गॉन बैड, इन्होंने अपना रास्ता ही चेंज कर लिया है जिंदगी में, दे हैव बिकम पैरासिटिक, दे हैव बिकम एंडो पैरासाइट्स। ये पानी से तो बाहर आ गए परंतु बहुत गलत राह पे चल पड़े हैं, एंडो पैरासाइट बन चुके हैं, दीज स्टिल आर एक्वाटिक। तो देखो इनके अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारी पैरासिटिक अडेप्टेशंस, किसी की और की बॉडी में जिंदा रहना आसान बात नहीं है, बहुत सारा अडेप्टेशन होएगा इनकी बॉडी में, पर ये नेचुरल स्टेट में अभी, क्योंकि इसको किसी की बॉडी के अंदर रहना नहीं, पानी में नॉर्मल घूम रहा है, ये भी कोई संत महात्मा है नहीं, ये भी पीछे भाग भाग के लोगों को चीज़ें खा लेता है, ठीक है, ये इट्स अ कार्निवोर एनिमल, बट एटलीस्ट इट डज नॉट हैव अजीबोगरीब मॉडिफिकेशंस, अजीबोगरीब मॉडिफिकेशंस एज इन दीज गाइज दे विल हैव सकर्स, सकर्स क्या होते हैं, इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, अब जैसे टेप वॉर्म है किसी ह्यूमन की बॉडी में, अब तुमको पता है ह्यूमन की बॉडी में पेरिस्टाइलिस होता है, पिच 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 पेरिस्टाइलिस होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से टेप वॉर्म बाहर ना निकल जाए बॉडी से, अब टेप वॉर्म को लगता है हो मेरे घर से मुझे बाहर निकाल रहे हैं, है ना, तो टेप वॉर्म ह्यूमन इंटेस्टाइन को ऐसे पकड़ के रखता है, तो कैसे पकड़ के रखता है, उसकी बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए ना, तो ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशंस, सकर्स, सकर्स पता क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट करके वहीं चिपकने की वो तरीके होते हैं, ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा ना बड़े सारे हम बचपन में खिलौने खेलते थे कहीं पे चिपका दो उनको तो वहीं चिपक जाते थे, क्यों, ऐसे सक्शन क्रिएट हो जाता था उसमें, तो सकर्स बिल्कुल वैसे होते हैं, एंड देन दे हैव हुक्स, आपकी प्यारी सी नाजुक इंटेस्टाइन में ऐसे हुक्स गाड़ देंगे ये, एंड दे विल स्टिक लाइक दिस कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा चाहे कुछ भी कर लो। सो ऐसी अजीब अजीब मॉडिफिकेशंस मिलेंगी तुमको यहाँ पे। ये बेचारा प्यारा है, इसके अंदर क्या, इसने किसी के अंदर थोड़े पे रहना है, कोई हुक्स नहीं, कोई सकर्स नहीं, तुम्हें टेपवर्म दिखाती हूँ मैं, कैसा लगता है तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तुम्हें मजे आएंगे देख के। सी ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदरूनी पार्ट है, ठीक है, तुम्हें पता है हमारा अंदरूनी पार्ट प्लेन तो होता नहीं है, विलाए माइक्रोविलाए बड़ा कुछ होता है, एंड ये रहे हमारे चाचा जी, ये देखो हमारे घर में मजे से इंटेस्टाइन में रेस्ट कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे कैच होल्ड करने के लिए अपने हुक्स ऐसे फंसा लेता है, ठीक है, और अपने सकर से सक करके रखता है, ठीक है। सो ऐसे बड़ी सारी स्टोरीज पढ़ेंगे आज हम, छोटू सा प्यारा सा फाइलम है, प्यारा तो बिल्कुल भी नहीं है बट छोटू सा फाइलम है, बहुत जल्दी और बहुत ईजिली ख़त्म हो जाएगा। सो सबसे पहले हम प्लेनेरिया के बारे में स्टडी करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, प्लेनेरिया के बारे में जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, आओ लेट्स टॉक अबाउट प्लेनेरिया। कुछ बातें मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ, इट इज एक्वाटिक, एक्वाटिक में भी कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में जैसे पॉन्ड्स में, रिवर्स में, ठीक है, इसको स्टडी करना बहुत आसान होता है, ठीक है, ज़्यादा ये हार्मफुल तो है नहीं हमारे लिए, छोटू सा जानवर है, तो जितने भी जैसे कॉलेज में अगर तुम जूलॉजी पढ़ोगे तो तुम्हें प्लेनेरिया पकड़ के लाने के लिए कहा जाएगा कि भैया प्लैटीहेलमिंथी स्टडी करें, तो तुम पता है कैसे पकड़ोगे प्लेनेरिया, एक मीट का टुकड़ा लोगे और रिवर में जाओगे और वहाँ पे जहाँ पे पत्थर पुत्थर पड़े हुए हैं और कुछ ऐसे पड़े हुए ना, वहाँ पे मीट का टुकड़ा लटका दोगे, ठीक है, एक रात रखोगे तो जनरली मीट के टुकड़े के ऊपर चिपके हुए तुम लोगों को ये मिलेंगे, ठीक है, क्यों, उनको खाना चाहिए तो वो फंस जाएंगे, फिर वो मीट का टुकड़ा निकालोगे तो प्लेनेरिया उसके साथ ही चिपक के आ जाएंगे, फिर तुम्हें उनको निकाल के एक जार में डाल लेना है जिसमें फ्रेश वाटर हो, इस तरीके से ये कैच होते हैं। ओके नाउ सो दे आर कार्निवोरस आल्सो, कार्निवोरस, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में वैसे मैं तुम्हें बता चुकी हूँ पहले, लेकिन आई विल जस्ट एक्सप्लेन अगेन लिटिल बिट, नॉट मोर, थोड़ा सा ही बात करेंगे। This is the top side. It has two structures here which will look like eyes. वो मैं कल भी बता चुकी हूँ कि eyes नहीं होती. They are not able to see. They are called eye spots. Eye spots इनको dark और light का पता चलता है कि हम अंधेरे में हैं कि उजाले में, और कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। अब ये भी मैंने कल बताया था कि इनमें head formation हुई है पहली बार, प्लैटीहेलमिंथीज में पहली बार हेड लाइक स्ट्रक्चर बना है। हेड क्या होता है, एनी स्ट्रक्चर वेयर लॉट ऑफ सेंस ऑर्गन्स आर अटैच्ड, सो दैट व्हेन दे गो टू अ न्यू एनवायरनमेंट दे आर एबल टू सेंस द एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ दोज सेंस ऑर्गन्स, है ना। तो सेफलाइजेशन इसमें देखने को मिल रही है, हेड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है,
है ना, बायलेटरल सिमेट्री देखने के लिए मिल रही है जो पहली बार आई हुई है प्लैटी हेलमिंथीज में, सेफलाइजेशन देखने के लिए मिल रही है. माउथ कहाँ बताया था मैंने इसका? माउथ तुम्हें देखने को मिलेगा जब तुम इसको पलट दोगे नीचे वाली साइड से. सो थोड़ा सा इसको ऐसे पढ़ के पलट दो तो तुम्हें यहाँ पे एक ओपनिंग नजर आएगी, यहाँ पे वियर्ड प्लेस टू हैव अ माउथ बट इट हैज़ अ माउथ. और तो और इसका फेरिंग्स यहाँ से ऐसे, इस ओपनिंग से ऐसे फेरिंग्स बाहर निकला रहता है, समझ रहे हो? इसका फेरिंग्स ऐसे बाहर आ जाता है यहाँ से, जैसे कार्निवोर है ना, ये कोई इंसेक्ट भाग रहा है तो अपना फेरिंग्स बाहर निकाल के माउथ दूर तक ले जाता है और पकड़ के ले आता है. सो वियर्ड क्रिएचर, वेरी वियर्ड. ओके, नाउ प्लेनेरिया का मैंने तुम्हें बता दिया था ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है इसका. यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होगा लेकिन वो फिर यहीं पे आके ख़त्म हो जाएगा इस तरीके से. इट हैज़ ओनली वन ओपनिंग, यहीं से खाएगा, यहीं से ही डेफिकेट कर देगा. माउथ और एनस एक ही होता है, ठीक है. अब इसके बारे में कुछ और, एक बहुत जिसपे नीट का क्वेश्चन आना है वो पॉइंट बताना चाहती हूँ तुम लोगों को मैं. नीट का क्वेश्चन आना है वेरी प्लेनेरिया के बारे में, आता है ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, आ चुका है इनफैक्ट. वेरी हाई रीजनरेशन पावर, मतलब ये ऐसा मॉन्स्टर टाइप का है ना प्लेनेरिया, तुम सोच नहीं सकते इसके पास कितनी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है. तुम एक प्लेनेरिया के 10 टुकड़े कर दो, 1 सेंटीमीटर का है वो छोटा सा, उसके 10 टुकड़े कर दो और 10 को पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में वहाँ पे, थोड़ी देर में नहीं, कुछ समय में वहाँ पे 10 प्लेनेरिया नजर आएंगे तुमको. हर एक छोटा टुकड़ा प्लेनेरिया बन जाएगा, इतनी तगड़ी पावर है रीजनरेशन की. इनफैक्ट एनिमल किंगडम में सबसे अधिक रीजनरेशन पावर हम प्लेनेरिया की ही पढ़ेंगे, ठीक है. सो तुमको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज द हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन, एंड द आंसर विल बी प्लेनेरिया, ठीक है. इनफैक्ट लैब में हम इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, अजीबोगरीब. मान लो हम एक प्लेनेरिया को लेते हैं, ठीक है, और एक कट इसमें यहां से मार देते हैं, एक कट यहां से मार देते हैं. सो वी थिंक ही विल डाई, राइट. यहां से एक कट लग गया, यहां से एक कट लग गया, तो बहुत ही बुरा हो गया इसके साथ तो. बट व्हाट इट विल मेक आफ्टर सम टाइम, इट विल मेक अ 3-हेडेड प्लेनेरिया, 3 सिर वाला दानव बना लेगा यहां से, राक्षस टाइप्स, समझ रहे हो. हालांकि ये ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं करते हैं, बट दे मेक इट. द थिंग इज दे हैव द पावर टू मेक इट. ओके, माय हेयर, वेट, गिव मी अ सेकेंड. नोट कर लो अभी तुम. ओके, नाउ आई थिंक इट इज सेटल्ड. ओके, सो वेरी वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन. इनफैक्ट इसके रिप्रोडक्शन करने का मेथड, इसकी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है. तो प्लेनेरिया को जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो पता है क्या करता है ये? सी, यहाँ से ना बीच से ब्रेक डाउन होने लगता है ये, इस तरीके से, समझ रहे हो, यहाँ से ब्रेक डाउन लगता है और धीरे धीरे यहाँ से पूरा का पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है इस तरीके से. और यहाँ से दो प्लेनेरिया बन जाते हैं, बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है. सो ये इसके ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ये इसके रिप्रोडक्शन का तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. सो प्लैटी हेलमिंथीज में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पॉरीफेरा और नाइडेरिया तक ही सीमित है. टीनोफोरा में नहीं होता, टीनोफोरा कंप्लीटली सेक्सुअल हो जाता है, याद है. एक ये फीचर था जिसकी वजह से नाइडेरिया ने धक्का मार दिया था टीनोफोरा को कि यार मैं तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों करता हूँ, नाइडेरिया कह रहा था ना उसको, और तू सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, क्यों भाई, तू बहुत ज़्यादा बड़ा, यू नो, अपने आप को यू थिंक यू आर वेरी सुपीरियर, इसलिए टीनोफोरा को बाहर फेंका था. बट फिर से तुम्हें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल रही है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है प्लेनेरिया, एंड बिलीव मी ही डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद इन अ वेरी फनी वे. सो दिस गाय इज अ हर्माफ्रोडाइट. अभी सभी हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट समझते हो, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में है पूरा. पॉरीफेरा भी हर्माफ्रोडाइट था, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में, नाइडेरिया मेल फीमेल एक ही सेक्स बॉडी में, टीनोफोरा मेल फीमेल एक ही बॉडी में, प्लैटी हेलमिंथीज ऑल्सो. अभी तक ये श्राप उतरा नहीं है
मेल फीमेल इन द सेम बॉडी, ओके, सो दे आर हर्मोफ्रोडाइट्स बट सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज नॉट अलाउड. एक प्लेनेरिया को दूसरे प्लेनेरिया के साथ की जरूरत है तभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, एंड दे डू इट इन अ वेरी वेरी यू विल सी हाउ रिडिकुलस दे लुक रिप्रोड्यूसिंग, सो दे विल लुक समथिंग लाइक दिस. This is how they mate. Okay, and they exchange their sperms and then they have their babies. Okay, so तुम देख रहे हो internal fertilization है, body के अंदर fertilization होगी, ऐसा नहीं है कि पानी में कहीं fertilization कर रहे हैं, ठीक है. So sexual reproduction भी देखने के लिए मिलती है, sexual reproduction भी देखने के लिए मिलती है, एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिलती है. पर क्वेश्चन क्या आएगा, वेरी हाई रीजनरेशन पावर. आर यू डन विद प्लेनेरिया, कैन आई मूव फॉरवर्ड, प्लीज टेल मी. हेलो फुरकान 007, प्रकाश कुमार, डिंकी मदान, मिस दीपिका, हेलो एवरीबॉडी. आई एम सॉरी फॉर स्टार्टिंग द क्लास अ लिटिल बिट लेट, बट आई प्रॉमिस टू मेक इट अप टू यू. इतना हम बढ़िया तरीके से फ्लैटी हेलमेंथिस कर देंगे कि तुम भूल जाओगे कि क्लास 5 मिनट लेट शुरू हुई है. चलिए, सो यू आर डन विद फ्लैटी हेलमेंथ, ये दे यू आर डन विद प्लेनेरिया. आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. प्लेनेरिया के बारे में हम थोड़ी सी और बातें इनफैक्ट जान सकते हैं, इस फाइलम के बारे में कुछ बातें जानने के लिए. जैसे कि प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम थोड़ा डेवलप हो चुका है, ठीक है. प्लेनेरिया जैसे नर्वस सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे आया था, नाइडेरिया में आया था. पॉरीफेरा में तो न्यूरॉन्स थे ही नहीं, है ना. नाइडेरिया में छोटे छोटे ए पोलर न्यूरॉन्स आए थे तो नर्व नेट बना देते थे. टीनोफोरा में सेम नर्व नेट. दीज गाइज डोंट हैव अ नर्व नेट, दे हैव समथिंग कॉल्ड ब्रेन, सो कॉल्ड ब्रेन. तो इनका प्लेनेरिया में पहले से एडवांस्ड हो गया है नर्वस सिस्टम, एडवांस्ड नर्वस सिस्टम. आई विल शो यू हाउ. इनके न्यूरॉन्स ने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है. तो न्यूरॉन्स का एक ग्रुप होता है जो इसके आईज के आई स्पॉट्स के जस्ट थोड़ा पीछे होता है, उस न्यूरॉन्स के ग्रुप को हम गैंग्लिया बोलते हैं, ओके. सो जब भी मैं गैंग्लियन, गैंग्लिया ये वर्ड यूज करूं, यू हैव टू अंडरस्टैंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ओके. सो दिस प्लेनेरिया, दिस गाय, लेट मी मेक इट, ओके, हाउ डू आई मेक इट, आई वॉन्ट टू मेक इट फ्रॉम द साइड. कैन आई मेक इट फ्रॉम द साइड? आई वॉन्ट टू मेक इट फ्रॉम द साइड लाइक दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग इम्पॉर्टेंट लाइक दिस, ओके. Now, these are the eye spots. So, just behind the eye spots, they have a group of neurons. They have a group of neurons here. So, these are the cell bodies of the neurons here. Okay? Here. Okay, these are the group of neurons. Now, this will be called a ganglia. Singular ganglion. So-called brain. अभी तक ऐसा कुछ नहीं था. नाइडेरिया में पहली बार नर्वस सिस्टम तो क्या न्यूरॉन्स आए थे, पर ऐसा कुछ नहीं था. पॉरीफेरा में कुछ भी नहीं था, न्यूरॉन ही नहीं था. नाइडेरिया और टीनोफोरा में सिर्फ हल्का हल्का न्यूरॉन्स आपस में से थोड़ा थोड़ा जुड़ जुड़ के नर्व नेट बना रहे थे. पहली बार गैंग्लिया देखने के लिए मिला तुम्हें. सो दिस इज समथिंग लाइक अ ब्रेन. एंड ऑल्सो देयर एग्जॉन्स विल गो लाइक दिस. इनके एग्जॉन्स पीछे जाएंगे बेटा ऐसे, इन टू रोज. इन फैक्ट एक रो यहाँ पे एंड देन देर विल बी वन रो हियर. सो यू हैव टू इमेजिन देम इन द वेंट्रल सरफेस. ये सब कुछ वेंट्रली हो रहा है. तो आई एम गोइंग टू मेक इट अगेन सो दैट इट इज मोर क्लियर टू यू. ओके ओके, हाउ डू आई मेक इट? सो आई एम गोइंग टू मेक इट समथिंग लाइक दिस. ओके, आई एम गोइंग टू मेक इट लाइक दिस एंड दिस पर्पल लाइन आई एम गोइंग टू मेक अगेन हियर. ओके, नाउ इट्स मोर क्लियर. वेंट्रल साइड पे इसके जो है एग्जॉन्स पीछे चले जाएंगे इस तरीके से, एंड दीज एग्जॉन्स विल बी कॉल्ड
नर्व कॉर्ड, इनको नर्व कॉर्ड कहेंगे बेटा। देखो तुम्हें न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर पता है ना, दिस इज अ न्यूरॉन, दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज द डेंड्राइट, दिस इज द एग्जॉन, है ना। तो यहाँ पे सेल बॉडी जो है इसकी यहाँ पड़ी है और इसके जो एग्जॉन है ये पीछे गए हैं, जिसको नर्व कॉर्ड बोलते हैं। अब नर्व कॉर्ड के ऊपर लुक केयरफुली, नर्व कॉर्ड के ऊपर कुछ और न्यूरॉन्स पड़े हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स पड़े हैं, कुछ यहाँ पे न्यूरॉन्स पड़े हैं, इनको भी गैंग्लिया कहेंगे, और इनके एग्जॉन आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हैं। सो देर आर गैंग्लिया हियर और इनके एग्जॉन्स ऐसे आपस में कनेक्टेड हैं, ऐसे। एम आई क्लियर विद दिस? समथिंग लाइक दिस। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? पहले सिर के पास एक ग्रुप है न्यूरॉन्स का, उसकी जो एग्जॉन है वो पीछे गए हुए हैं, उन एग्जॉन्स को नर्व कॉर्ड कह दी। तो किस प्रकार की नर्व कॉर्ड है तुम्हारे पास? नर्व कॉर्ड इनकी देखो कैसी है, डबल। पहली बात तो दो पीसेस है नर्व कॉर्ड के, देन इट इज सॉलिड। हॉलो तो नहीं है ना, अंदर से खाली तो नहीं है ना, ये याद रखना है, ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है। इट इज डबल, इट इज सॉलिड, इट इज गैंग्लियोनेटेड, क्योंकि इसके ऊपर भी गैंग्लिया है, यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे न्यूरॉन की सेल बॉडी यहां पे गैंग्लिया बना रही है, गैंग्लियोनेटेड, गैंग्लियोनेटेड। और सबसे पहले बताना चाहिए था मुझे वेंट्रल। सो ये फीचर्स है नर्व कॉर्ड के, वेंट्रल, डबल, सॉलिड एंड गैंग्लियोनेटेड। वेंट्रल, डबल, सॉलिड एंड गैंग्लियोनेटेड, इस प्रकार के नर्वस सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा जी? इट हैज अ वेरी फेमस नेम, प्लीज टेल मी, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। दिस हैज अ वेरी फेमस नेम, इट इज कॉल्ड अ लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। लैडर क्या होता है? दिस कॉल्ड अ लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, सीढ़ी की तरह दिखने वाला नर्वस सिस्टम। एम आई क्लियर? एनी डाउट्स? कैन आई मूव फॉरवर्ड? आदित्य सिन्हा बेटा, एवोल्यूशन का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बेटा जी यहाँ पे। हाँ डिंकी मदान, क्विज करेंगे बेटा, जल्दी क्विज करेंगे, ठीक है, जल्दी से जल्दी क्विज करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल दैट वी हैव टू नो अबाउट प्लैनेरिया। सो से बाय टू योर फ्रेंड हियर, दिस गाय विच इज टोटल, इतना लंबा नहीं है ये, दिस इज जस्ट 1 सेंटीमीटर एंड वी आर डन विद दिस। ओके, नेक्स्ट क्रिएचर लेट्स टॉक अबाउट, ओके लेट्स टॉक अबाउट हिम, योर बिलवड, यू लव हिम वेरी मच, टेप वॉर्म, ही लिव्स इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, जब मैं कहती हूँ कि बच्चों ये तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, तो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं, मैम क्या हमारे पास अपना अपना एक टेप वॉर्म है? एवरीबडी हैज़ वन टेप वॉर्म इन देयर इंटेस्टाइन? बिल्कुल भी नहीं बेटा, अगर किसी को इन्फेक्शन होता है उसी के पास टेप वॉर्म होता है, सबके पास, ये कोई पेट नहीं है, डॉगी नहीं है ये, जो सबके पास होना चाहिए। ओके, सो टेप वॉर्म की खासियत बात ये होती है कि एक ह्यूमन बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो एक ही टेप वॉर्म होता है, टेप वॉर्म किसी और टेप वॉर्म को आने नहीं देता है। तो इन योर बॉडी यू जस्ट फाइंड वन ऑफ दिस एंड इट ग्रोज वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा हो जाता है, कई मीटरों लंबा हो जाता है ये, बड़ा होते 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 होते, एंड ह्यूमन बॉडी में बहुत मजे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ये, ठीक है। अच्छा, प्लेनेरिया के बारे में मैंने तुम्हें कल ये बताया था कि व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आज भी बताया था व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दे हैव, दे हैव अ इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल वेयर दे हैव अ माउथ, खाना भी वहीं से खाते हैं, पॉटी भी वहीं से, देयर इज नो अदर ओपनिंग। टेप वॉर्म हैज गॉन वन स्टेप अहेड, इट इज अ पैरासाइट, तुम लोगों को पता है ये पैरासाइट है, ह्यूमन बॉडी में रहता है, ये इतना तगड़ा पैरासिटिक मॉडिफिकेशन है इसमें कि इसके पास इंटेस्टाइन ही नहीं है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट वट एवर, इट डज नॉट हैव एन इंटेस्टाइन। सो हाउ कम, वट डज इट डू विदाउट एन इंटेस्टाइन? क्या इसको कुछ डाइजेस्ट करना है? एक्चुअली में इसको कुछ डाइजेस्ट करना ही नहीं है, इट स्टील्स द डाइजेस्टेड फूड ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस का डाइजेस्टेड फूड ये छीनता है, चुरा लेता है। इट हैज नो माउथ, इट हैज नो एनस, इट हैज नो एलिमेंट्री कैनाल, स्किन सरफेस से ये हमारा फूड एब्जॉर्ब करता है, यहां से एब्जॉर्ब करता है, इसको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब मैं तुमको टेप वॉर्म एक्चुअल में दिखाने वाली हूँ कैसा दिखता है। दिस इज अ टेप वॉर्म अंडर माइक्रोस्कोप एंड यू थिंक ओ इट लुक्स लाइक अ स्नेक,
इट हैज़ अ माउथ, इट हैज़ आईज, है ना, ऐसे लग रहा है ना, एंड इट हैज़ अ बॉडी. वेल वी आर रॉन्ग इन मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स. दीज आर नॉट द आईज, दिस इज नॉट द माउथ, एंड आई टेल यू वट दिस गाय इज. ओके, मैं तुम्हें एक डिटेल स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ. देखो, अ टेप फॉर्म स्टार्ट्स लाइक दिस. जो आपको माउथ दिख रहा था, हेड की तरह दिख रहा था, इट इज़ नॉट एक्चुअली अ हेड. दिस पार्ट, दिस बिग पार्ट, इट इज कॉल्ड स्कॉलिक्स. आप इसको हेड इसलिए नहीं कहोगे क्योंकि इस पर कोई सेंस ऑर्गन तो है ही नहीं ना. सेंस ऑर्गन होना चाहिए ना हेड के ऊपर. इट इज नॉट अ हेड, इट्स कॉल्ड स्कॉलिक्स. देन दिस पोर्शन, आगे ये जो पतला सा पोर्शन मैं बना रही हूँ, दिस इज कॉल्ड अ नेक. ओके, एंड देन इट गोज लाइक दिस. यू यू यू, दिस कंप्लीट पोर्शन इज कॉल्ड अ स्ट्रोबाइला. दिस कंप्लीट पोर्शन इज कॉल्ड अ स्ट्रोबाइला. सो थ्री पार्ट्स यू कैन सी, द हेड, द नेक एंड द स्ट्रोबाइला. स्ट्रोबाइला के आगे अपने खुद के सेगमेंट्स हैं बेटा. सी, इट इज सेगमेंटेड लाइक दिस, वेरी ब्यूटिफुली सेगमेंटेड, एंड यू थिंक इट्स एन सेगमेंटेड एनिमल, है ना. देख के लगता है कि मैम इसमें तो मेटामेरिज्म है. इसकी बॉडी कंप्लीटली सेगमेंटेड होती है, कंप्लीटली सेगमेंटेड. दिस मच सेगमेंटेड दैट द सेगमेंट्स विल स्टार्ट गेटिंग रिमूव्ड. यहाँ से सेगमेंट टूटते रहते हैं पीछे से, ठीक है. इसकी टेल टूटती रहती है हमेशा. इतनी खतरनाक सेगमेंटेड है, मतलब एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है. अगर हमारी लेग्स टूटने लग जाएं तो पीछे से एक उंगली गिर जाए एक दिन, फिर दूसरी उंगली गिर जाए. आई डोंट थिंक विल बी एबल टू सर्वाइव, बट दिस गाय इज, बिकॉज एवरी सेगमेंट इज इंडिपेंडेंट. ओके, इट इज मोर लाइक अ कॉलोनी ऑफ सेगमेंट्स, लाइक ईच सेगमेंट इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल. हर एक अपना एक अलग जानवर है एक सेगमेंट, ऐसा लगता है देखने में. ओके, सो बट इट इज नॉट ट्रू सेगमेंटेशन, इट इज नॉट मेटामेरिज्म. क्यों? मेटामेरिक सेगमेंटेशन की डेफिनेशन थी कि उस ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो भी सेगमेंटेड होना चाहिए. इफ यू आर नॉट सेगमेंटेड फ्रॉम द एम्ब्रियो इटसेल्फ, यू आर नॉट सेगमेंटेड. सो एम्ब्रियो किस किस का सेगमेंटेड रहता है? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा. दिस गाय शोज सूडो सेगमेंटेड, सूडो सेगमेंटेशन, समथिंग कॉल्ड सूडो सेगमेंटेशन, झूठी सेगमेंटेशन. इट इज नॉट मेटामेरिज्म. Okay, so this guy has like this. Like this. ठीक है, एंड ये पीसेस बन कहां से रहे हैं? अगर ये पीछे से पीसेस टूट रहे हैं, इस प्रोसेस को कुछ बोलते हैं. ये पीछे से पीसेस रिमूव होते रहते हैं. मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्यों भैया ऐसा, इसको क्या शौक चढ़ा है. सो इट इज लाइक, यू विल नॉट बिलीव हाउ इट इज. पीछे से ये एक एक सेगमेंट तोड़ता रहता है, जिसे एपोलाइसिस कहते हैं, रिमूवल ऑफ सेगमेंट्स को. और गर्दन से ये नए नए सेगमेंट्स बनाता रहता है. हियर न्यू सेगमेंट्स आर बीइंग फॉर्म्ड इन द नेक, विच इज कॉल्ड स्ट्रोबिलाइजेशन. स्ट्रोबिलाइजेशन, सो इट इज लाइक ये ऊपर वाला पोर्शन इसका सेम है. गर्दन से नए नए सेगमेंट बनते रहेंगे और पूंछ से पुराने सेगमेंट टूटते रहेंगे. इट इज समथिंग लाइक दैट. इसके एक एक सेगमेंट को बोलते हैं प्रोग्लॉटिड. प्रोग्लॉटिड, आई होप दिस इज विजिबल एंड क्लियर. थोड़ा सा खचपच मचा है, ठीक है. सो दिस इज, दीज आर कॉल्ड प्रोग्लॉटिड्स. अभी होता क्या, ये इसकी बॉडी में चल क्या रहा है, मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है. एक्चुअली में ये यहाँ से नए नए सेगमेंट्स बनाता रहता है, ठीक है. और हर सेगमेंट के अंदर अपने सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. वुड यू बिलीव, हर सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. एवरी सेगमेंट हैज़ इट्स ओन सेक्स ऑर्गन्स. एवरी सेगमेंट कैन एब्जॉर्ब इट्स ओन फूड. एवरी सेगमेंट कैन डू एवरीथिंग, ओके, एक्सेप्ट फॉर एवरी सेगमेंट. अगर ये अलग अलग हो जाएंगे तो ये बहुत जल्दी बॉडी से बाहर फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस से रिमूव हो जाएंगे. सो इसीलिए ये एक इससे जुड़े रहते हैं, बिकॉज दिस पार्ट विल हेल्प देम स्टिक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. कुछ तो इनका सेल्फिश नेचर है ही है ना, इस अपर पार्ट से चिपके रहने के लिए, ठीक है. अब मैं तुम्हें बताती हूँ. सो आई टेल यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग.
सो एवरी पार्ट विल हैव देयर सेक्स ऑर्गन्स, से हियर टेस्टिस. ओके आई नीड टू मेक इट लिटिल बिट थिनर एंड हियर ओवरी. ओके सो दीज आर द इमेच्योर प्रोग्लॉटिड, जिनमें टेस्टिस और ओवरी मेच्योर नहीं हुए हैं, दीज आर इमेच्योर. Right now, they are not able to mate. They are not able to have sexual intercourse. Okay, this tapeworm is the only animal which you will read to have self-fertilization. ये मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, अभी बता देती हूँ. Tapeworm भी hermaphrodite है, तुम देख रहे हो male और female organs दिख रहे हैं, पर इसमें self-fertilization होती है. अभी भैया एक ही tapeworm है body में, कहाँ जाएगा किसी और से फर्टिलाइजेशन करने के लिए? क्या बोलेगा ह्यूमन को, फर्टिलाइजेशन ब्रेक, और बॉडी से बाहर निकल जाएगा, एनस से बाहर निकल के फर्टिलाइजेशन करके फिर एनस से वापस अंदर घुस जाएगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस. सो दिस इज द गाय विच विल डू सेल्फ फर्टिलाइजेशन. यू हैव एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन हियर. सो राइट नाउ दे आर इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स, नॉट एबल टू हैव fertilization. These are mature proglottids. These are mature proglottids, as in they have ovaries and testes. Now they are able to do their fertilization, everything they are able to do. And these, the last ones, इसमें सब कुछ हो चुका है, mating भी हो चुकी है, fertilization भी हो चुका है, eggs भी बन चुके हैं, और इनके sex organ degenerate भी हो चुके हैं. अब ये सिर्फ eggs से भरी हुई दुकान है और कुछ नहीं. They have lot of eggs, nothing else. सेक्स ऑर्गन डीजनरेट हो चुके हैं इनके. दीज आर एग्स, दीज आर कॉल्ड ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, जो टूटते हैं. ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स. सो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स आर शेड ड्यू टू एपोलाइसिस, समझ रहे हो? और ये कहाँ जाएंगे? ह्यूमन के अनडाइजेस्टेड वेस्ट के साथ बॉडी से रिमूव हो जाएंगे, पॉटी के साथ, एंड देन दे विल बी इनसाइड द पॉटी. एंड देन व्हाट विल हैपन, I will tell you. You will be disgusted to know actually what happens, but I'll tell you. Now, थोड़ा सा स्कॉलेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसके लाइफ साइकिल पे चलते हैं कि होता क्या है उसके बाद. ये जो टॉप पार्ट है ना, यहाँ पे जो टॉप पार्ट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं रॉस्टेलम. रॉस्टेलम के नीचे हुक्स होती है बेटा तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसाने के लिए. यहाँ पे देर आर टू पेयर लाइन्स ऑफ हुक्स, एंड हुक्स के जस्ट नीचे होते हैं चार सकर. सो यू विल बी एबल टू सी जस्ट टू और थ्री सकर्स लाइक दिस. वन इज ऑन दैट साइड. सो दैट इज व्हाट यू आर एक्चुअली सीइंग हियर. दीज आर द सकर्स, नॉट द आईज. दीज आर द सकर्स एंड दीज आर द हुक्स एंड दैट इज द रॉस्टेलम. And these are the proglottids. Am I clear with this? आगे चलो. हाँ जी, रियान राज प्लस पे बेटा. जो बच्चे प्लस पे पढ़ रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है, 25th से आपका एक कोर्स मैंने चलाया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके नीट के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम के नीट के क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद, और उसके बाद शुरू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. तो ये तीन चैप्टर्स का मैंने एक कोर्स बनाया बेटा, 25th से शुरू हो जाना चाहिए. हुक्स आर नॉट एट ऑल यूज इन कॉपुलेशन विराज. हुक्स आर यूज टू होल्ड देयर होस्ट. सो मैं ये बता रही थी कि तुम्हें इसके बाद क्या होता है जब यहाँ से एपोलाइसिस हो जाता है. सो व्हाट हैपन्स आफ्टर एपोलाइसिस. ओके आओ देखते हैं व्हाट हैपन्स आफ्टर एपोलाइसिस. इट इज हॉरिबल बट ओके. इफ यू वांट टू नो व्हाट कैन आई डू, दिस इज मदन लाल. ही इज नॉट वेरी हैप्पी एक्चुअली. ही इज अ सैड गाय राइट नाउ. व्हाई? ही हैज अ जायंट टेप फॉर्म इन हिज बॉडी. Okay, the problem is he has a tapeworm. So the tapeworm does not live like this, of course. Sirf small intestine mein hi hota hai tapeworm, but theek hai, chalo. Now, ab ye tapeworm ke yahan se proglot, ye jo apolysis ho raha hai, iske jo segments hai, piche se gravid proglottids, they are breaking and then they will go into the, you know where it will go.
एंड द प्रोग्लॉटिड्स आर हियर. ओके, एंड उसके अंदर एग्स हैं, टेप वॉर्म के एग्स हैं उसके अंदर, है ना, भरे हुए. लास्ट वाले ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स के अंदर एग्स होते हैं. वो एग्स के अंदर लार्वा वो बनता है, पहले जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से उसके अंदर एक छोटा सा लार्वा डेवलप होता है विच इज़ कॉल्ड हेक्साकैंथ लार्वा. सो इसके अंदर अभी डेवलपमेंट चली हुई है एंड यहाँ पे, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इज ह्यूमन पूप, ओके, एंड यहाँ पे वो लार्वा बन रहा है. दिस यहाँ पे देर इज लार्वा कॉल्ड हेक्साकैंथ लार्वा, हेक्साकैंथ लार्वा, ओके. हेक्साकैंथ लार्वा के ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग है इस तरीके से, हेक्साकैंथ लार्वा के ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग है एंड नाउ दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ ऑन्कोस्फियर. ओके, सो इन द ह्यूमन पूप देर आर लार्वाज कॉल्ड हेक्साकैंथ लार्वा एंड अपॉन देम देर आर प्रोटेक्टिव कवर्स, प्रोटेक्टिव कवर्स एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑन्कोस्फियर. अब ये कहाँ पे जाएगा? टेप वॉर्म का एक्चुअली दो होस्ट रहता है, सिर्फ ह्यूमन की बॉडी में वो शांत नहीं है, इट नीड्स वन मोर होस्ट. सो विच इज द सेकेंडरी होस्ट, यू टेल मी, हु इज दिस गाय? वेरी हैप्पी टू सी. He is a piggy. And you know what piggies do with human excreta. Piggies eat human excreta. So this piggy happily eats this human's excreta. Okay. So he eats this. And the hexacanth larva goes into the alimentary canal of the piggy. This is the alimentary canal of the piggy. Okay. So hexacanth larva is here. Hexacanth larva enters. Now, as soon as it is in the piggy's digestive system, ye iske na small intestine ko aise kured ke, it goes into the muscles of the piggy. Hexacanth larva yahi pe nahi rahega, ye small intestine mein chhed karke iski muscles mein chala jayega. Suppose ye rahi piggy ki muscle. This is the muscle of the piggy. This is the muscle. Ye muscle mein jaake settle ho jayega aur ek aur larval stage bana dega. Here it will get settled to form one more larval stage here. This is called Cysticercus larva. Cysticercus larva. Actually, ये मुझे blue में नहीं बनाना चाहिए था, ये pink में बनाना चाहिए था, but I don't have pink color. ये ऐसे pinkish dots नजर आती हैं इसके. Okay, and this is called Cysticercus larva या bladder worm भी कहते हैं इसको. Bladder worm is nothing but a larval stage of tapeworm. Now, suppose someone eats this piggy. Lot of people eat piggies, right? So, somebody takes this pig and cuts this pig and says, I want to eat this pig's meat. Now, iska meat nikal liya and meat ke upar aisa pink dots nazar aa rahi hain. Pehli baat to, so isko pork bolte hain. Theek hai? Pork bolte hain. सो अगर आप पॉर्क खाते हैं, प्लीज़ ध्यान से देखिए, आपके पॉर्क पे छोटे छोटे दाने तो नहीं हैं. अगर छोटे छोटे दाने हैं, दैट मीन्स इट्स अ मीजली पॉर्क. ऐसे पॉर्क को बोलते हैं मीजली पॉर्क, ठीक है? तो ऐसे पॉर्क को मत खाइए, मतलब उसके अंदर सिस्टिसर्कस लार्वा रहता है. पर कुछ लोगों को नहीं पता होता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो इसे खा लेते हैं और सही से पकाते भी नहीं है, नॉट प्रॉपरली कुक्ड. And it goes to that person, not to madan lal again, किसी और की बॉडी में जाएगा जो उसको खाएगा, but this is the cycle. You understand the cycle? Now you are going to tell me, okay, now you are going to tell me, इसमें primary host कौन है, secondary host कौन है? Primary host वो होता है जिसकी बॉडी में जो parasite है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. देखो यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है ना, सो मैन इज द प्राइमरी होस्ट.
ओके, एंड पिग की बॉडी में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, सो पिग इज द सेकेंडरी होस्ट. ओके, आई होप आज की क्लास से तुम्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है प्यारे बच्चों. पोकेमॉन मास्टर बेटा, जितने भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी की वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ टेपवॉर्म. सो नेक्स्ट टाइम व्हाट एम आई गोइंग टू टीच यू, प्लीज लिसन. द लास्ट थिंग रहती है आज कि लिवर फ्लूक के अंदर क्या होता है और लिवर फ्लूक का साइकिल क्या होता है, बॉडी साइकिल क्या होता है, ठीक है, लाइफ साइकिल क्या होता है, बस यही बचा है. ऑलमोस्ट सारा प्लैटिहेलमिंथीज हम खत्म कर चुके हैं. आओ एक बार एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा. लेट्स स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी. ओके, दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. ये हम लोगों को पता है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, ये तो अभी तक हम सीख ही चुके हैं. हैंस आर कॉल्ड फ्लैटवॉर्म्स, ये भी हमें पता है. दीज आर मोस्टली एंडो पैरासाइट्स. ओके, प्लेनेरिया को छोड़ के ज्यादातर एंडो पैरासाइट हैं, ये वाली बात भी हमको पता है. फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. अच्छा, तुम्हें पता है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर ही नहीं मिलते, डॉग टेप वॉर्म अलग से होता है. जो मैंने अभी तुम्हें टेप वॉर्म बताया ना, उसका नाम है टीनिया सोलियम, उसको बोलते हैं पॉर्क टेप वॉर्म, ठीक है, या पिग टेप वॉर्म, क्योंकि वो पिग और ह्यूमन के अंदर मिलता है. ऐसे बहुत सारे टेप वॉर्म मिलते हैं. डॉग टेप वॉर्म अलग होता है, बीफ टेप वॉर्म अलग होता है, वो काउज कैटल के पेट में रहता है, शार्क के पेट तक में टेप वॉर्म मिलते हैं. सो दे हैव वेराइटी ऑफ होस्ट्स. फ्लैट वॉर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, अभी हमने देखा रेडियल सिमेट्री सिर्फ नाइडेरिया, टीनोफोरा एंड एकाइनोडर्मेटा. ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, ये हम सब पढ़ चुके हैं. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे ऑर्गन सिस्टम नहीं है. एनसीईआरटी में एक जगह गलत लिखा है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं है यहाँ पे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स. सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस. किसकी बात हो रही है, डायरेक्टली बॉडी सरफेस से कौन एब्जॉर्ब करता है, टेपवॉर्म, टेपवॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे. स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, ये नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें अभी, फ्लेम सेल्स बताऊंगी तुम्हें, ठीक है. स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. पहली बार एनिमल किंगडम में कोई स्पेशल सेल आया है एक्सक्रीशन के लिए, इट इज कॉल्ड फ्लेम सेल. कैसा दिखता है, कैसे काम करते हैं वो बात करेंगे. रेस्पिरेशन के लिए अभी भी कुछ नहीं आया है, ठीक है. सर्कुलेशन के नाम पे अभी भी कुछ नहीं आया है. सीलोम अभी भी नहीं आ पाई है, ठीक है. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. हर्माफ्रोडाइट है अभी हमने देख लिया. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, वो भी देख लिया, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है. एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, ये भी देख लिया. सिस्टिसर्कस लार्वा एंड देन हेक्साकैंथ लार्वा. सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, ये भी देख लिया, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी रहता है. एग्जाम्पल्स टीनिया सोलियम, टेपवॉर्म, फेशियोला, लिवर फ्लूक. फेशियोला के बारे में अगली बार बताऊंगी, अगली क्लास में इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी, और फ्लेम सेल्स के बारे में अगली बार बातें बताऊंगी. बट मोस्ट 95% ऑफ योर प्लैटिहेलमिंथीज आर इज कंप्लीट. सो आई होप तुम लोगों को मजा आया है पढ़ के. आई होप तुम लोग एनिमल किंगडम कुछ इस तरीके से पढ़ रहे हो जैसे तुमने कभी पहले नहीं पढ़ा होगा. एंड आई होप एनिमल किंगडम में अभी तुम्हारा इंटरेस्ट बन रहा होगा. ओके, अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताओ कि तुमने क्या नया डिस्कवर किया है एनिमल किंगडम के बारे में. अगर तुम इसी मज़ेदार तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो और जल्दी पढ़ना चाहते हो, क्रैश कोर्स के रूप में पढ़ना चाहते हो, 4 महीने में पूरा बायोलॉजी पढ़ लेना चाहते हो, क्योंकि बेटा अब वो समय नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, ठीक है. वो लोगों को कंपटीशन में पार्ट ही नहीं लेना चाहिए जो अंत समय का वेट करते हैं. ये कट थ्रोट कंपटीशन है बेटा, यहाँ पे एक बंदा काम नहीं करेगा तो दूसरा, वो इसलिए पीछे हो जाएगा क्योंकि दूसरे काम कर रहे हैं. एवरीबडी इज मूविंग अहेड. ओके, इट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन. एंड इफ यू वांट टू गेन एडवांटेज इन दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, यू कैन स्टडी विद अन अकेडमी बिकॉज इट्स गोइंग टू प्रोवाइड यू एवरी फैसिलिटी एट वेरी वेरी लेस प्राइस. हम आपको एडवांटेज देते हैं दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, क्योंकि हम आपको सभी कुछ दे देते हैं जो आपको चाहिए और बहुत ही कम प्राइस में दे देते हैं. तो बच्चा बच्चा इस देश का अफोर्ड कर सकता है अनअकैडमी को. ओके, सो जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे, प्लीज़ यूज दिस कोड. ओके, प्लेनेरिया गेट असाइड. यूज दिस कोड ऋतु लाइव.
इट गिव्स यू मैनी मैनी एडवांटेजेस. वन, आई गिव यू अ 10% ऑफ ऑन योर फीस, देन आई गिव यू माई नोट्स, देन यू गेट अ सीट इन माई क्रैश कोर्स विच इज 4 month long and it is starting from 30th November. So 30 November से पहले पहले अपनी सीट बुक करा लेंगे इस कोड के द्वारा. कोड डालना नहीं भूलेंगे. लेट्स डू इट. What are you waiting for? Okay? And 6 बजे मैं तुम्हें मिलती हूँ. प्लस टू का चैप्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पूरा करेंगे आज. ओके, सो आई विल सी यू. थैंक यू सो मच. बाय बाय.